है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। देखो क्या बोला है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इक्वल्स टू होगा आपका क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जब आप देखोगे किससे डिवाइड किया जाता है, 11.2 से। और अगर नॉर्मलिटी चाहिए तो वही नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और हमें पता है कि H2O2 का जो n फैक्टर है वो आपका क्या है, वो है 2। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है आपको 10.12 और फिर क्या n फैक्टर, n फैक्टर हो जाएगा आपका 2। तो ये देखो इसको कैसे 20/11.2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.7 N, यानी कि नॉर्मल। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट।